हमें कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अब दानियाल ने ईर्षा के साथ साथ आयसल को भी बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। कमाल को ईर्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कमाल भी दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है और ये बात का फायदा उठाकर दानियाल ईर्षा को कमाल से और भी भजन कर देगा, जिसके बाद ईर्षा ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कमाल उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं है और वह दानियाल की बातों में आकर दानियाल से शादी करने का फैसला कर लेगी और कमाल से डिवोर्स लेना चाहेगी। उधर आयसल भी दानियाल की मोहब्बत में आ चुकी है क्योंकि दानियाल ने उसे भी अपनी मीठी बातों में उतार लिया है। जब ये बात कमाल को पता चलेगी कि दानियाल ने किस तरह उसकी बीवी और उसकी बेटी को अपने चुंगल में फंसा लिया है और उसके पीछे सारा का सारा हाथ उसके दोस्त का है, तब अपने दोस्त को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे।